वार्ड नंबर 14 के लोगों ने राशन न मिलने पर रोष पाया है। वार्ड के लोगों ने कहा कोई भी उनकी सुध नहीं ले रहा, जिस कारण वार्ड के लोगों में नाराजगी पाई जा रही है। लोगों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है, उनके वार्ड में राशन पहुंचाया जाए। लोगों ने कहा कि जब तक पैसे थे तो खा लिया, रोज दिहाड़ी लगा के खाते थे, लॉकडाउन में वो भी नहीं कर रही है सरकार के, हमें साथ नहीं है, कम से कम हमको राशन तो दिया जाए। अगर राशन आए तो कुछ लोग अपने चहेतों को वोट बैंक के लिए बुला के राशन दे रहे हैं, जो सच में गरीब के उन तक राशन नहीं पहुंच पा रहा है। वहीं पर जब एमटीवी टाइम की टीम ने प्रशासन के अधिकारियों से बात करनी चाही तो उन्होंने बात करने से आनाकानी कर दी। पठानकोट से अमनजीत की रिपोर्ट। क्या है कि जेडे जरूरतमंद है उन्होंने तक राशन पहुंचाना और जेडे गरीब है बेचारे उन्होंने तक पहुंचाना, पर इतने कांग्रेसी कुछ ऐसे नेता जेड़े हैगे जेड़े एमसी हैगे कांग्रेसी एमसी जेड़े हैगे वो अपने चहेतियां नू दे रहे हैगे, वो गरीबां तक नहीं पहुंचा रहे, वो जिन्हां नू पेंशन लगी दी उन्हां नू भी दे रहे हैं, जेड़े नौकरी कर रहे उन्हां नू भी दे रहे हैं, और जिन्हां दे नीले कार्ड बने दे उन्हां दे घर भी पहुंचा रहे हैं, और जेड़े गरीब जनता जिन्हां दे कार्ड भी नहीं बने दे जिन्हां नू खाण नू कुछ नहीं मिलता पिया उन्हां तक बिल्कुल नहीं दे रहे हैगे। जेड़ी कांग्रेस सरकार है जेड़ी दोहरी राजनीति खेल रहे हैं, इसलिए रब की मार मरी दी हैगी है, तो असं चाहते हैं कि यह जहाँ खिलवाड़ दुनिया नाल ना करो, जो जे तुसी अपने घरों नहीं दे सकते कम से कम जो सरकार वालों आ रहा है वह तो दवो उन्होंने, जनता बहुत सियानी हैगी है, आने वाले इलैक्शन के उन्होंने मूँह तोड़ जवाब देगी, पर इस टाइम राजनीति करन दा कोई तुक नहीं सी बंदा, चाहिदा सी कि सारे नूं इक वड्डे रखा जाए। इत्थे जिहड़े बीजेपी नाल बीजेपी के एम सी या बीजेपी नाल कार्यकर्ता जो जुड़े दे गए उन्होंने वितकरा किया जा रहा है, जे कोई एम सी बीजेपी का जो कोई बोलता इस खिलाफ आवाज़ उठाता तो वो उन्होंने परचे कर देंगे, मार कुटाई करते हैं। मैं भी बीजेपी के एम सी एक्स एम सी के नाते प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते अज मैं खुला चैलेंज दिनी हाँ कि मैं गरीबों के नाल खड़ी हैगी हाँ, मैं इन्हों के हक वास्ते लड़न तैयार हैगी हाँ, जे इन्हां च जरूरत हैगी जे परचा करना चाहते तो कर देन, सानू कोई परवाह नहीं हैगी क्योंकि असी जनता दे नाल हैगे आ, असी गरीब परिवार दे नाल हैगे आ, इह साडा अपना परिवार हैगा, असी इन्हां नू भुखे नहीं देख सकते, असी इन्हां दी हक दे लड़ाई वास्ते लड़न नू तैयार हैगे आ। असी जिथे तक भी है कांग्रेसी साडे नाल दगा करना चाहते हैगा कर सकते हैगे आ, इहदा मूँह तोड़ जवाब असी भी देवांगे और इह सरकार जनता भी देगी। जय हिंद जय भारत। मैं सोमराज छिंदा वार्ड नंबर 14 उत्थों बोल रहे हैं। मैं पिछे भी एक प्रेस रिपोर्टर नूं अपने बयान दिते सी तो डीसी साहब अगे रिक्वेस्ट भी की ही कि साडे वार्ड दे विच बंदरवाड़ हो रही है तो इहदी इनकुआरी की जाए। अज मैं मौके ते ओह बंदे फड़े है तो उन्होंने सारा वेरवा इन्हां नूं दस्सिया कि साडे 14 नंबर वार्ड 'च की धंधली कर रहे हैगे ने। जद असीं अपने बंदिआं नूं पुछिया भी तुसीं राशन किदां लै रहे हो, उन्हां कोई सैटिस्फाई सानूं जवाब नहीं दिता। उन्होंने जिन्होंने राशन मिलिया उस मैं पाया गया देखिया कि जेड़े बंदे नौकरी 40-40, 50-50 हज़ार रुपया तनखा लै रहे हैं उन्होंने भी उन्होंने दिते है, जेड़े 20-20 हज़ार रुपया पेंशन लै रहे उन्होंने भी वो दिते है, सारे वो राशन दे दिया गया। कई उन्होंने पूछा तो वह कहते कि मेरी बुढ़ी जनानी का ना नहीं, कोई कहता मेरे मुड़े का ना नहीं, तो आम बंद आम राशन नहीं किसी मिले। दूसरे पास मैं यह कहना चाहना कि साढ़े वार्ड नंबर 14 के तकरीबन सारे ही बंदे दिहाड़ीदार है, कोई किसी दी दुकाना तो कोई 5 हज़ार से कोई 7 हज़ार से कोई 10 हज़ार से काम करता पिया, तो कुछ बंदे यो जगह जहाँ बैंक तो लोन लैके तो कोई आटो चला रहा तो कोई कुछ दुकानदारी जो बिजनेस पाया है, लेकिन उन्होंने कोई नहीं सुन रहा। छे छे महीने की उन्होंने किस्तां भी टुट गई, उन्हें पैसे कितों देने, तो ना ही उन्होंने जो जाने अं तो ना ही उन्होंने कोई बच्चे कोई राशन देता है। यह जिहड़ा राशन बंड रहा है कपल मुड़ा वार्ड नंबर 14 च रहिंदा वह हो ही है सारा काम कर रहा है, तो उस बंदे ने अपने चहेतियां दे नां दिते हुए जिहड़े कांग्रेस माइंडेड बंदे ने उन्होंने दे रहा है, जिहड़े बीजेपी दे नाल लिंक जुड़े दा है जां बीजेपी दे वर्कर है जां महल्ले दे बीजेपी दे विच मोहतबर बने दे है उन्होंने बिल्कुल लागे नहीं आन दिता। उस दिन उन्होंने मैं चैलेंज किया कि तैनूं मैं फड़ के दसांगा, अज मैं उन्होंने मौके ते फड़िया है तो मैं डीसी साहब अगे बेनती करांगा हाथ जोड़ के कि मैं पिछे भी कहा कि इन्हां दी इनकुआरी कराओ, लेकिन अज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं फिर डीसी साहब नूं कहना कि सरकारी बंदा लै के जां डीपीओ दे राशन दिओ ते जां कोई सरकारी बंदे दी ड्यूटी लाओ कि जिहड़ा घर 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 प्रति जाके दे राशन देवे। असीं 170 बंदे दी लिस्ट इन्हां नूं बना के दित्ती सी,
लेकिन हुण 170 बंदियां चों इन्हां 85 बंदियां दी लिस्ट मंजूर करके तो उन्हां नूं राशन देता, जिहड़े बाकी दे जिहड़े कट्टे उह सारे बीजेपी दे कट के इक साइड ते कर दित्ते। सानूं इन्हां गल्लां तों दुख हो रिहा कि एक जे साडी बीजेपी सरकार नहीं हैगी तो साडे नाल बितकरा क्यों कर रही है कैप्टन सरकार। मैं कैप्टन साहब और MLA साहब और DC साहब अगे हाथ जोड़ के बेनती करना चाहना है कि इहदी तहे दिल तों इनकुआरी की जाए, तो जे जिन्हां दे कपल दा जिहड़ा मैं नां लिया गा खास करके उहदे ते इनकुआरी की जाके दोनों अंदर किया जाए। मैं जाते लैना और मैं सारे नमस्कार।